सो हेलो मेरे प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब? आई थिंक बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा, उसके बाद ही कोई कमेंट दीजिएगा। जैसे कि आप में से बहुत से व्यूअर्स ये चाहते हैं कि NTA नीट एग्ज़ाम को दोबारा कंडक्ट कराए, क्योंकि इस बार नीट एग्ज़ाम में बहुत सारी जगहों पर पेपर लीक हुआ था। बेशक आपकी बात बिल्कुल सही है, पेपर लीक हुआ था। इस मामले में पुलिस ने अलग अलग जगहों पे बहुत सारे लोगों को पकड़ा है, बहुत से बच्चों को पकड़ा है, लेकिन जब बात आती है रीनीट को लेकर, तो वहाँ पर आपको एक सच्चाई समझनी चाहिए। जैसे कि NTA ने अपनी ऑफिशियल साइट पर एक पब्लिक नोटिस में बहुत क्लियर आप सबको बताया कि जो बातें नीट एग्ज़ाम में पेपर लीक हो रही हैं वह एकमात्र अफवाह है। अब आप सबको पता है कि अगर NTA ने ऐसी नोटिस पब्लिश की है तो वह किसी भी हालत में रीनीट कंडक्ट नहीं कराएगा। 1% से भी कम चांसेस हैं कि रीनीट एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। एक्सेप्शनल कुछ जगहों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? अगर रीनीट होगा भी तो मैक्सिमम 1 या 2 सेंटर्स पे, ना कि पूरे प्रदेश में। मैं आप सबसे एक चीज़ कहूँगा कि अगर आपको डॉक्टर बनना है, MBBS करना है, तो पीछे जो हुआ पास्ट की चीज़ों को छोड़ के आप फ्यूचर को बेहतर करने का प्लान करें तो बहुत बेहतर होगा। बेशक आप लगातार YouTube पे बहुत सारी अपडेट्स आ रही हैं, या अलग अलग जो है स्टेट्स में पुलिस हर दिन कुछ ना कुछ नए जो है लोगों को पकड़ रही है, जो कि ये प्रूफ करते हैं कि नीट एग्ज़ाम का पेपर लीक हुआ था, लेकिन NTA ने आज तक कभी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं की है। और कल सुप्रीम कोर्ट से जो जजमेंट आया रिजल्ट को होल्ड करने को लेकर, कि रिजल्ट होल्ड नहीं करेगा, NTA के पास पावर है या NTA जो मंद है वो करे, तो उन सब बातों को अगर हम ध्यान में रखकर चलें तो अब रीनीट की होप करना वह समय की बर्बादी होगी। मैं चाहूँगा कि ऐसे बच्चे जो कि UP, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली जैसे प्रदेश से आते हैं और इस बार उन्होंने अच्छा किया, लेकिन बस वो कुछ नंबर से पीछे रह गए हैं, वो सोचते हैं ये रीनीट हो जाएगा तो वो अच्छा कर लेंगे, तो अब आप अपनी स्टडी स्टार्ट कर दें, उसी में आपकी समझदारी है। अगर आप रीनीट को लेकर ही अपना टाइम वेस्ट करते रहेंगे तो फिर आपको आगे जब आप एग्ज़ाम पास आ जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी आप मई के महीने में हैं, पूरे आपके पास प्रॉपर 1 ईयर का टाइम है। अगर 1 साल आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो अगली बार NTA की जो मर्जी कर ले, आपका सिलेक्शन होने से आपको नहीं रोक पाएगा। इस वीडियो में इतना ही कहूँगा मैं, बाकी आप सब समझदार हैं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अच्छे से अपने नीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।